चेतना का स्तर किस प्रकार बढ़ा ये तो कई बार एक ही प्रश्न यहीं पे पूछ लिया गया है अभी सुन रहे हैं यह तो बढ़ ही रहा है चेतना का स्तर पहले दिन से कहा जा रहा है जिस दिन से चेतना का स्तर बढ़ाने के लिए वो वेद प्रकाश जी आए थे उनकी भी कहानी से तो चेतना स्तर की बताई गई ना अभी आप को हर रोज़ सुबह ध्यान करना है प्राणायाम करना है निरंतर कहीं से भी जो भी वीडियो अच्छा लगे आध्यात्मिक वीडियो देखते रहना है थोड़ा देख लेना भ्रम फैलाने वाली वीडियो नहीं कुछ योग दर्शन हो अष्टावक्र गीता हो भागवत गीता हो वहाँ से भी कुछ पढ़ते रहना चाहिए देखते रहना चाहिए हमारी ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करती रहनी चाहिए अगर शक्ति है तो और दो चार बार मेरे तरफ से तो मिनिमम कहता हूँ तुम पाँच बार आओ तुम्हारे जंगल जल्दी साफ होगा ये प्रत्यक्ष हमने जो लोग जुड़े हैं ये लेकिन समय लेकर एक साल दो साल में आओ तीन साल में आओ लेकिन वो डिसकनेक्ट हो जाएंगे तो उनकी प्रारब्ध के बस होंगे नहीं है तो घर बैठे भी ऑनलाइन जुड़े रहो इस तरीके से चेतना का स्तर श्रवण करो यहाँ पे जो करवाया जा रहा है इस तरीके से बढ़ते चला जाएगा बैठते चला जाए ये हो गए। दूसरी और कन्वर्ट योर टॉक इंटू मेडिटेशन ये जो मैंने कहा कि निरंतर अपने टॉक को भी ध्यान में बदलो जितना मैंने सिखाया वो सारे काम करो चितना का स्तर बढ़ते जाएगा उसके साथ कभी छोटे छोटे बच्चों के साथ वो जैसे खेल रहे हैं झूम रहे हैं उनको समझने के लिए कॉम्प्लेन नहीं उनको समझने के लिए कोशिश करो उनके साथ खेलने के लिए कोशिश करो बच्चों के साथ समय बिताओ बच्चों के साथ बच्चे हो जाओ क्योंकि अभी वो बेटा है अभी जाएगा ना तब तो वो बोलता पापा आप तो वहां पे पापा होते लेकिन यहाँ पे तो आप बच्चे बन जाते हो मैं उसके साथ एकदम एजडी जो उसके साथ जैसे वो दौड़ भाग करता हूँ एकदम बच्चा बन जाता हूँ आप देख लोगे तो बोलेगा ये गुरु है कि नहीं ये क्या कर रहे हैं आप एकदम बिस्तर में जाम कूदना खेलना हम बैडमिंटन लेके के यहाँ वहाँ क्या कपड़ा पहनेंगे ये तो ऐसे ही पहन लेते हैं कपड़ा वपड़ा क्योंकि पहले से लोग दिमाग में बैठा कर रखते हैं कि गुरु ऐसा होना चाहिए <laughs> गुरु ऐसा होना चाहिए अब यहाँ पे हाफ पेंट पहन के गंजी गंजी पहन के स्टाइल में जैसे गुरु माँ ने फोटो दिखाई चश्मा उश्मा लगाकर आकर बैठ जाऊंगा तो बात बनेगी नहीं क्योंकि आपका अवचेतन मन में गुरु आपने पहले से परिभाषित करके रखा है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट होने के लिए ये रूप लेना पड़ता अभी मैं देहरादान में जाऊँगा तो मेरा ड्रेस क्या है आपको पता है सच्चाई बता दो जीन्स पहनूंगा टी शर्ट पहनूंगा ऐसे घूमूंगा वो शरीर लग रहा है चलो शरीर हम क्या हैंडसम लगेंगे चलिए कुछ कनेक्शन नहीं है नहीं तो सब बाल बढ़ा के सब सन्यासी साधु संत शांत हो जाते दाढ़ी से भी कुछ कनेक्शन है सब का नहीं तो हम तो गवर्नमेंट से रूल पास कर लेता कि सब दाढ़ी बढ़ा लो शांत हो जाओ बाल बढ़ा लो शांत हो जाओ बाल दाढ़ी बढ़ा कर अगर शांत हो जाते संत हो जाते तो कोई बात ही नहीं शांत जो अंदर से शांत हो गया चित गल गया खत्म हो गया वही संत है सन्यासी यानी कि सारे दुख सारे आसक्ति त्याग दिया खत्म हो गया वही है सन्यासी लेकिन हमारे असली में तो ये है बट पहले से कुछ परंपरा चलती आ रही है शरीर को भी दिखाना पड़ता अब सर्वेश जी हम आश्रम देखने गए तो मैं ऐसे ही कुछ ये सब चदर उदर तो लिया हुआ नहीं था ये चदर उदर सब किसी किसी ने गिफ्ट दिया है उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि लेके आ जाते हैं सेशन में यही लेके लोग आते हैं वही लेके आते हैं तो उन्होंने अपना चदर मुझे दे दिया गुरु ये पहन लीजिए नहीं तो आप जाएंगे सब गुरु गुरु लग ही नहीं रहे हैं। मतलब कोई आश्रम में गया तो गुरु गुरु लगने के लिए सब करना पड़ता है विनय जी मेरे साथ चलते हैं शांति आश्रम अभी भी चले तो सब आपको विनय जी गुरु जी बाबा जी बाबा जी कर गौर करते जब भी विनय जी मेरे साथ चलेंगे हमें कोई पूछता भी नहीं है अभी चले ना सब बाबा जी विनय जी उनको ही करेंगे ये सच्चाई है दुनिया की वो भी दाढ़ी बढ़ा कर गाँव तो दाढ़ी ट्रीम कर लेते हैं बात समझ में आ रही है ना हम गुरु को देखते ही नहीं है कोई नहीं देखता है गुरु को दृष्टि तो गुरु के शरीर पे ही रहता है उसके आंख नाक शरीर को देखते थे इसीलिए तो गुरु बनना आजकल बहुत आसान हो गया पैसा कमाना भी बहुत आसान हो गया आप दाढ़ी बढ़ा लो बाल बढ़ा लो टीका का ले लो ड्रेस चेंज कर लो आपका कदम पे लोग गिरना स्टार्ट हो जाएंगे और कुछ नहीं तो शास्त्र उठा कर प्रवचन बोलना सीख लो देना स्टार्ट कर दो तो भी सुना अभी लोगों को थोड़ी पता है कि असली में ना नकली में उसको क्या पता है तो बात अंदर की सफाई की है, अंदर की सफाई की है। लोगों के लिए ये सब नाटक करना पड़ता है, ये सब नाटक ही है, नाटक। बाहरी बेसमेंट से आकर तो दो-चार तो तो दिन के लिए पूजा है, असली पूजा तो अंदर की है, जब बुडे जानेगा समझेगा। तब वो तो दो-चार दिन बाद तो पता हो ही जाना है। वो तो हो जाता है। हम आप लोग अगर हम हाँ पहले वाले बेस में रहते तो आप लोगों को भी भाव नहीं आता तो जोड़ने के लिए ये सब किया जाता है और ऐसे भी कर परम साधु संतों की परंपरा देखेंगे तो इस तरीके से हमारे पहले से ऋषि मुनि की एक परम्परा आई है कि साधु सन्यासियों के भेष या तो तुम बाल मत रखो दाढ़ी मत रखो जैसे बुद्ध ने भी अपने भिक्षुओं के नहीं रखवाया और नहीं तो छोड़ दो दाढ़ी बड़े बाल बड़े इसे काटना नहीं है तो एक परंपरागत चीज़ें है इस तरीके से अब इस जना में तो हमारे इस तरीके के कोई गुरु रहे नहीं कि परंपरागत गुरु उस मार्ग पर हम चला ही नहीं जैसे सबके आते हैं जाते हैं इस तरह से दो दिन के लिए मिले चार दिन के लिए मिले फिर चले गए तो परंपरागत चीज़ें ऐसा नहीं है कि हम इस धर्म से आ रहे हैं कोई ओसो के फलोअर हैं उनके सन्यासी हैं यहाँ से के हैं ऐसा कुछ है ही नहीं ये अपने आप बस हो रहा है हो रहा है चल रहा है तो परंपरागत तो वाली कोई बात ही नहीं है कुछ लोग कहते कौन से पंथी से पंथी क्या होता है पूछता हूं नहीं पंथी माने आप उनके शिष्य है या उनके यहाँ से वहां से घबरा आ जाते हैं मैं बोलता हूँ कोई पंथी से नहीं ये कैसे हो सकता है और हक कैसे मिल सकता है आपको ये सब क्योंकि ये सब तो भी हक मिलता है हाँ सच्चाई बता रहा हूँ आपको किस परंपरा से आ रहे हैं कैसे साधु बन गए कैसे ये बन गए उसकी भी एक डिपार्टमेंट होती है परंपरागत आते हैं इस तरीके से चलते हैं चीज़ें अपनी है एक उसकी भी अनुशासन नीति नियम वो ठीक है उसमें भी एक डिसिप्लिन में चलना पड़ता है साधना करना पड़ता है ऐसा नहीं कि उसमें चलेंगे तो आप विरक्त नहीं होंगे आत्मा तक नहीं पहुंचेंगे उसमें भी पहुंचा जाता है वो एक है दुनिया और उनके प्रति भी हमेशा श्रद्धा भक्ति रहनी चाहिए क्योंकि तो इतना आसान नहीं है कि अपने परिवारों को छोड़ छाड़ के और आप साधु संत बन जाओ भले आत्मज्ञान घटे या ना घटे फिर भी इतना त्याग करके भी इतना आसान नहीं है छोड़ना भी किसी का वैराग्य आ जाता है तो ये पहले से कुछ लोगों ने ऐसा किया जैसे बुद्ध ने छोड़ दिया किसी ने और चाहिए ना बहुत इसमें तो दम चाहिए ना घर वाले हमेशा खींचते हैं अंत में घर वाले पटक जाते हैं जैसे ये ये लड़का भी कहाँ था नेपाल से हाथ उठान ये सामने सामने बैठा है टोपी भी पहना ओबे लिखा हुआ है चलो ये आगे करे गुरु जी डर जो है हम यहाँ पे जब बात करा मैंने फिर मतलब डर जो है वो वो लगा रहता है वो खत्म नहीं होता है फिर कहा कि एक क्षण के लिए तो मुझे ऐसा लगा फिर ये पूछ रहा है और पूछना भी चाहिए जितना हो उतना पूछना चाहिए फिर खड़े होकर बोला तुम्हारे अंदर आ सकती है डर कहाँ से आ रहा है ढूंढो पहले दिया था कि किसको डर लग रहा है वो ढूंढो और डर आ कहाँ से रहा है डर का विकार जन्म कहाँ से ले रहा है आसक्ति होगी तभी उस आसक्ति का ढूंढो बिना शक्ति का डर कैसे पैदा हो सकता है अभी है आसक्ति तभी तो डर लगेगा कुछ खोने की आसक्ति है कुछ पाने की आसक्ति है या तो लोगों को सेवा करने की आसक्ति है ऐसे लगता है ना लोगों को मुझे सेवा करना है मुझे हेल्प करना है ये भी एक आसक्ति है जी मुझे कल्याण करना आसक्ति है कल्याण करने जाओगे और आप जैसा चाहोगे वैसा होगा ही नहीं मन उदास हो जाएगा लोग समझते ही नहीं उदास हो जाओगे ये भी आसक्ति है कल्याण करना है ये भी एक आसक्ति है कल्याण नहीं कर पाओगे तो दुखी हो जाओगे गुस्से हो जाओगे मुझे इसको सिखाना है मुझे सिखाना ये भी एक आसक्ति है वो नहीं सीखेगा तो आपको बुरा लग जाएगा ये भी आसक्ति है बड़ी सूक्ष्म यात्रा है ये अंतिम मिटाओ निरोध की अवस्था तो अपने आप बकने लगे हाँ मुझे लग रहा है क्या, 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 क्या कौन कौन से आशक्ति बोल रहे थे एक तो गर्लफ्रेंड की बात बोल रहे थे गर्लफ्रेंड के प्रति तो हाँ फिर गर्लफ्रेंड भी है वो भी छूट नहीं रही है और सुनेंगे कि छोड़ने वाला है तो भी मुश्किल है दूसरी ओर ये मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा ये और तीन आसक्ति बताए बाद में गुरु मिलेगा या नहीं मिलेगा बाद में मिलेगा या मिल, नहीं मिलेगा ये भी जीवन व्यर्थ चला जाएगा या चला नहीं चला जाएगा ये सब चिंतन बना चल रहा है इसको सोच के डर उत्पन्न हो रहा है फिर वो गर्लफ्रेंड है उसको लेकर क्या वो चली जाएगी वो भी मिलेगी नहीं मिलेगी ऐसा कुछ भाव है छोड़ दो उसको बोल दो आज से ब्रेकअप मैसेज भेज दो खेल खत्म तो ये तीनों आसक्ति भी रहेगी ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा कैसे होगा भेज दो अभी <laughs> <आ? laughs> दिल घबरा <गवरा> जाता है देखो <laughs> दिल घबरा <गवरा> जाता है नहीं बोलवाऊंगा चिंता मत कर रहा आप तो धीरे धीरे अपने आप गर्लफ्रेंड से रिश्ता बनाए रखना कोई बात नहीं है कृष्ण के जैसा बन जाना ठीक है भागना नहीं है नहीं तो सारी लड़कियां फिर दुखी होने लग जाएगी ये अध्यात्म कहाँ से आ गया इसमें जाकर हम कहाँ जाएंगे फिर हुँ? तो उनके साथ साथ रहना है होश में रहना है होश में ना उनको त्याग करना है त्यागना भी भागना है जो सामने है उसके साथ होश में रहना साधना है इस किसी से भी दूर जो परेशान कर रहा है, उसे दूर भाग रहे हो इसका मतलब है उसको छोड़ के कुछ और पकड़ने वाले हो जो परेशान है उसे भागो मत उसके साथ रहो अवेयर हो जाओ अवेयर होकर शरीर के प्रति मन के प्रति बुद्धि के प्रति पूरे प्रकृति के प्रति अवेयर होकर कुछ भी भोग करोगे तो कोई प्रश्न ही नहीं ये अपनी बात है यह अपनी बात है कृष्णा, राम और भी ऐसे कई गुरु हुए असली ब्रह्मचारी हमारे लिए तो जो ब्रह्म में लीन रहता है जो ब्रह्म में रहता है वही असली ब्रह्मचारी है यह ब्रह्मचारी एक साधना का मार्ग है एक मार्ग है एक विधि है बात समझ रहे सिर्फ वही ब्रह्मचर्य में रहने से ही ऐसा होगा ऐसे नहीं है कोई ब्रह्मचर्य में रहने की जरूरत नहीं है लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड वो ध्यान रखना है बाकी आपके चित्त में प्रारब्ध संस्कार रूप में पड़े हुए हैं समय पे जिसके साथ जो भी भोग होगा वसना अपने आप प्रकट हो जाएगी और जो भी भोग होना होगा जो भी यानी कि कोई स्त्री भोग हो या खाने पीने का भोग हो कुछ भी भोग हो वो तो कामना अपने आप बन जाएगी और घटित हो जाएगी उस वक्त साधना में कन्वर्ट कर लेना ये करने वाला जो है जो भोग कर रहा है ये मैं नहीं हूँ इसके पीछे मैं दृष्टा हूँ सत् रजस तमस ये त्रिगुणात्मक शक्ति ही करता है यानी कि मेरा शरीर जहाँ गति है शरीर मन बुद्धि ये सब प्रकृति के विभाग है ये करता है गुरुजी ने तो कहा है कि गतिशील सब करता है गतिशील, यानी भाव से इसके पीछे मैं अपने शरीर के उन सारे आवेग को देख रहा हूँ किस तरीके से शरीर में कोई आवेग आ रहा है किस तरीके से कोई कामना का तरंग आ रहा है मैं तो इसको देखने वाला हूं मैं शरीर भी नहीं हूं मैं इसके पीछे देखने वाला हूं मात्र देखने वाला करने वाला मैं नहीं हूं <clears throat> अगर लग जाए कि मैं हूं तो यह करता भाव हो गया यही एक संत को एक गुरु को पता चल जाता है कि ये करने वाला मैं नहीं हूँ यह प्रकृति है ये पता लगते लगते धीरे धीरे पता चल जाएगा तो अकर्ता की स्थिति परमानेंटली आ जाएगा सूर्य में ये साधना करनी पड़ेगी कोई भी आवेग खाने के भी आए कोई भी डिजायर है तो तुरंत उसके अंदर दृष्टा बन के देखने लग जाना दिल घबरा रहा है कोई बातों से तो भी तुरंत याद करना कि दिल घबरा रहा है मेरा नहीं मैं घबरा रहा हूं ये नहीं इसमें तो गति है इसमें तो चल की कुछ मूवमेंट है गुरु ने कहा है जहां मूवमेंट है जहां गति हो मेरा स्वरूप नहीं है तो ये घबरा ये तो प्रकृति में हो रही है ये प्रकृति का काम है ये मेरा कुछ और है इसके पीछे कोई मैं और हूं ये घबराने में भी कुछ है स्थिरता वो मैं हूं तुरंत वहां से इधर धीरे धीरे आने लग जाओगे तो घबराहट भी देखोगे धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा वो तो धीरे धीरे आएगा अचानक से एक बार में नहीं आएगा तो जितने प्रारब्ध होंगे ना पत्नी के साथ भी कभी ऊंच नीच सुख दुख जो भी वो तो कटना ही पड़ेगा भाग कर भी नहीं भाग पाओगे वो तो अपने आप होती चली जाएगी यही बात तो अर्जुन को कृष्ण समझा रहे हैं कि तू भ्रम बस अपने आप को कर्ता मान रहा है ये प्रकृति के तीन गुण ही ये गीता की बात है कि कर्ता है तू तो द्राष्टा है तू मारने वाला नहीं है क्यों तुम्हें लग रहा है कि तुम मारोगे कहने का मतलब है कि वो मेरे ही माया कर्ता रूपी माया है तो मैं ही लेकिन वो माया रूप वो मारेगी तू तो बस एक माध्यम तेरा शरीर है तेरा भी शरीर ये नहीं है शरीर सहित तू है दृष्टा है साफ साफ करे तू भी दृष्ट है मैं भी दृष्ट हूं दोनों एक ही है लेकिन अभी समझा रहे अभी समझेंगे नहीं ना अभी सागर का लहर का स्रोत क्या है सागर का लहर का स्रोत क्या है सागर तो मन का स्रोत परमात्मा मन तो वहीं से आ रहा है पकड़ लो सागर में जो वेब्स है वो मन है लहर है वो मन है जो मन को ढूंढते ढूंढते अंदर चला गया तो परमात्मा एक तल पे वो तो मन भी परमात्मा का ही चेतना है वही तो है लेकिन मन में ऐसे है स्रोत पे चले जाओ शांत हो जाओगे सागर में चले जाओ अब लहर सहित सागर सहित सब कुछ विराटता को प्राप्त कर लिया विराटता को प्राप्त कर लिया आप क्षुद्रता से विराटता में अपने आप को अभी लहर मान रखे थे अब पता चला कि लहर नहीं लहर का तो स्रोत सागर से ही है जैसे ही गया पूरे सागर ही है अब लहर सहित आवेग जो भी आया वो सब सहित वेब्स भी अलग नहीं लहर भी अलग नहीं सागर भी अलग नहीं सागर के किनारे भी अलग नहीं पूरे के समूचे के समूचे सब एक साथ ही है यही है अद्वैत ज्ञान अद्वैत में हम अलग समझने लग जाते हैं लहर अलग वेप्स अलग वो अलग बड़े सिंपल है इस जो कहा जा रहा है कभी ध्यान मन का स्रोत ढूंढना मिलेगा ही नहीं मन का स्रोत इंद्रियों के वजह से जो अनुभव करते हैं तभी तो मन का तरंग से खेलने लगता है आने लगता है विचार चलने लगते हैं ये बात तभी समझ में आएगी तभी घटेगी जब चित्त की शुद्धि होगी निरोध होते चला जाएगा जब मन बिल्कुल विक्षिप्त मन है ना और बिल्कुल एकाग्र जब हो जाएगा तब वो धीरे से वो मन विलीन जैसे आप होश में ध्यान करते चलो जाओगे वो मन की विलीनता धीरे से बिलीन हो जाएगा नहीं तो कभी कभी ये धीरे धीरे किसी का होता है और जिनकी निर्विकल्प समाधि लगती है बार बार तो बहुत जल्दी एकदम निकल जाते हैं और बस खत्म, कुछ निरोध चलते हैं वृत्तियों का और धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाता है